तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका कुआ कैंसर। टीवी का सुपरहिट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई सालों से दर्शकों के चेहरे पर खुशियां बिखेरता आ रहा है। इस शो के किरदार घर घर में मशहूर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक खास बात यह है कि इसके निर्माता लोगों को हंसाने के लिए घटिया जोक्स नहीं बनाते हैं। ये एक फैमिली शो है जिसे पूरा परिवार एक साथ देख सकता है। शो के किरदारों की बात करें तो नट्टू काका अपने अलग अंदाज के लिए काफी फेमस। नट्टू काका का किरदार घनश्याम नायक निभाते हैं, जिनकी कॉमेडी टाइमिंग की दुनिया फैन है। नट्टू काका को लेकर एक बुरी खबर मीडिया में आई है, जिसके अनुसार उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। घनश्याम नायक को इस बीमारी के बारे में अप्रैल के महीने में पता चला, इन्हीं दिनों उनका इलाज चल रहा है। घनश्याम नायक की गंभीर बीमारी के बारे में उनके बेटे ने जानकारी दी है। घनश्याम नायक के बेटे ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि मेरे पिता को लगभग 3 महीने पहले गले में दिक्कत हुई, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। अप्रैल के महीने में हमने उनकी पॉजिटोन एमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग कराई, जिसके बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। इन दिनों उनका इलाज चल रहा है। घनश्याम नायक ने भी अपनी बीमारी के बारे में मीडिया से बात की और बताया कि उनकी कीमोथेरेपी लगातार चल रही है, जिस कारण वो पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। घनश्याम नायक का कहना है कि वो जल्द से ठीक होकर काम करना शुरू करना चाहते हैं। घनश्याम नायक की कीमोथेरेपी 1 महीने में एक बार होती है। डॉक्टर्स ने उन्हें काम करने की इजाज़त देते हुए कहा कि कीमोथेरेपी की वजह से शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। हम भी दुआ करते हैं कि नट्टू काका जल्दी से ठीक हो जाए और इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहें।